पिक्स पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। आज हम एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जिले की उसी विधानसभा सीट की तरफ जाते हैं। एक खबर है जिसने उस तरफ फिर ध्यान आकर्षित किया और उसी के लिए आज हमने बातचीत करने के लिए ऑडियो लाइन पर शिव विधानसभा क्षेत्र के दो भाजपा नेताओं को, एक अनुभवी तजुर्बेकार और कान सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं ऑडियो लाइन पर, और दूसरे पूर्व भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी नेता हैं कुमार सिंह छोड़ा, वो हमारे साथ लाइन पर हैं। कान सिंह जी और कुमार सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस ऑडियो पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। शादी ब्याह का टाइम है, मौसम है, आप सब मैं जानता हूँ अभी अलग अलग जगह पर हैं। कुमार सिंह जी बता रहे थे कि वो दिल्ली हैं और कान सिंह जी आप जोधपुर हैं, लेकिन अपने व्यस्तम समय से आप मुझे इसलिए समय दे रहे हैं क्योंकि ये शिव के लिए बहुत जरूरी है। शिव में अभी आम बजट जो आया था तो आम बजट में शिव को बड़ा वंचित सा रखा गया। कान सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि अगर शिव आम बजट में विधानसभा में कुछ खास हासिल नहीं कर पाया तो इसकी वजह क्या होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिव तहसील में जो बजट है जी, काम के लिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई काम के लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया है, ये बात ठीक है, मगर जो राजस्थान का बजट पेश किया उसमें हमारे जो काश्तकारों के है। कान सिंह जी बीच में रुकूंगा, बात सिर्फ शिव की करेंगे, आप शिव के नेता हैं, भाजपा से शिव की बात करेंगे, स्टेट लेवल पर क्या हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। पहला, आपने बहुत सही ईमानदारी से ये कहा कि हाँ, शिव को जो मिलना चाहिए था बजट में एक अच्छा तोहफा, वो तो नहीं मिला। कुमार सिंह जी, आप बताइए कि बजट में आपका शिव अछूता रहा या नहीं रहा? देखिए साहब, बजट में शिव का ही अछूता नहीं रहा जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार जब से इस प्रदेश में बनी है जी, उसके बाद में हमारे शिव क्षेत्र को काफी बड़े बड़े काम मिले हैं जी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। इस बजट में क्या मिला जरा बताइए। रही बात इस बजट की जी, तो इस बजट के अंदर देखो साहब, इतना हो सकता, मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि प्रॉपर हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं होने की वजह से कुछ बातें जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है उसके पटल पर नहीं पहुंची होगी, इस कारण कुछ चीजें रही, लेकिन रहा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बिहार को है 132 के मंजूर हो गया। कुमार सिंह जी सुनिए, आपने कहा कि आपका एमएलए बीजेपी पार्टी से नहीं था इसलिए शिव अछूता रह गया, साफ बात है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, अछूता तो मैंने नहीं कहा है, शिव को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए, शिव को वो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, आपका एमएलए नहीं मिला है। भजनलाल सरकार बनने के बाद में बहुत कुछ मिला। क्या मिला इस बजट में बताइए। भजनलाल सरकार बनने के बाद में शिव को बहुत कुछ मिला है, जैसे और आज में देखो, प्रदेश में हमारी सरकार है और देश में हमारी सरकार है जी। हमारे जो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान की सीमा को लगता हुआ क्षेत्र है जी, वो पीएनपी में आया हुआ क्षेत्र है, उसकी बात को लेकर के मैं माननीय वहां के जो मंत्री है भूपेंद्र जी यादव, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने सुबह का टाइम लिया है भूपेंद्र जी यादव से मिलकर के, जो हमारे पीएनपी क्षेत्र के अंदर लोग निवास करते हैं, उनके जो मूलभूत कुछ सुविधाओं का अभाव है उसकी बात रखने के लिए आया हूँ। और सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में राज है, कौन सा विकास होगा। अभी आपने ये कहा कि हमारी पार्टी का एमएलए शिव से नहीं था इसलिए वो बात वहां तक नहीं पहुंची। नहीं, आवाज नहीं पहुंची। मैंने ये कहा कि हमारे प्रदेश की जो परी पंचायत है उसमें एमएलए के अभाव के कारण आवाज नहीं पहुंची हुई होगी, ये मैंने कहा है जी। लेकिन विकास में शिव वंचित रहा है ऐसा नहीं है। क्या मिला शिव बजट में? कहीं वंचित नहीं इस आम बजट में शिव। देखिए साहब, आम बजट क्या है? बजट क्या है? 5 महीने हुए भजनलाल सरकार को बनने के बाद में, यहाँ करोड़ों रुपए आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बजट बजट क्यों कर रहे हो? बजट तो वो भी तो गवर्नमेंट का ही बजट है ना जी। जिस बजट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की राज बनने के बाद में
करोड़ों रुपए का बजट आया है वो कौन सा बजट है? वो भी तो इसी सरकार का बजट है भाई साहब। इसी सरकार का बजट है, लेकिन बजट में जैसे हर एक को तोहफा दिया ना कि इस विधायक को ये दिया, इस विधायक को ये दिया। अब चूंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारा विधायक नहीं है बीजेपी का, वहां से हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची है। ये बात तो मैंने आपको कही ना, आपने आपका सवाल था कि उस विधायक को दिया, उस विधायक को दिया, तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं था। लेकिन शुरू में जनता को भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं मिला, बजट बहुत मिला है। विधायक से आपकी पार्टी को अदावत हो सकती है, एक ज्वेलर्स हो सकती है, लेकिन वो आम नहीं कोई अदावत नहीं है। देखिए कोई अदावत नहीं, कौन कह रहा है अदावत है जी? हमारी किसी से कोई अदावत नहीं है जी, और न ही हमारा शिव क्षेत्र वंचित है बजट से जी। हमारे शिव क्षेत्र के अंदर माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, उसके बाद में विकास की गंगा बह रही है। आप बताइए हमारा कहाँ त्रस्त है शिव विकास की दृष्टि से? विकास की एक आदमी खड़ा होकर के बता दें कि शिव जो है विकास के लिए यहाँ पीछे रह गया 1% का ही। कुमार सिंह जी, राजस्थान का एक बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और उसी में आज बाड़मेर में एक खबर थी, राजकीय महाविद्यालय शिव की स्थिति को उसमें बयान किया गया कि कॉलेज में एक प्रोफेसर है और 2 कर्मी है ओनली। आप बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बातें करते हैं, शिव के इस महाविद्यालय की स्थिति है स्कूल खुली है छुट्टियां? देखो भाई साहब, स्कूल अभी खुली है, स्कूल की नहीं, महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, पहले कहीं क्लियर करिए आप। महाविद्यालय शिव की मैं भी बात कर रहा हूँ भाई साहब, शिव महाविद्यालय के अंदर करोड़ों रुपए का बजट आ गया और बिल्डिंग, एक भव्य बिल्डिंग, सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी हो गई है और निकट ही कुछ दिनों के अंदर ही उसका लोकार्पण होने जा रहा है और बहुत एक सुंदर सी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है पीछे, और अब जो है नई बिल्डिंग बहुत सुंदर है। उस पूरी शानदार बिल्डिंग में सिर्फ 2 कर्मिक हैं, उस पूरी बिल्डिंग को शानदार बिल्डिंग में 2 कर्मिक हैं, वहां पर जो विशेष स्पीकर थे। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही जी पूर्ण स्टाफ आ जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी बात हो गई है जी सरकार लेवल पे, और हमारे माननीय मंत्री महोदय मदनलाल जी दिलावर से मेरी बात हो गई है जी। पूर्ण स्टाफ आ जाएगा, हमारे कहीं कोई स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि मुख्यालय की जो कॉलेज है उसके ऊपर तो हमको उन्होंने बहुत आश्वस्त किया है कि बजट सत्र खत्म होने के बाद में आप जितने चाहोगे उतने आपको अध्यापक मिल जाएंगे जी। कानसिंह जी लाइन पर है, कानसिंह जी से बात करूं। कानसिंह जी, आपको लगता है कि अगर शिव की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी को नहीं देके एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, एक यंग कैंडिडेट को, रविंद्र सिंह भाटी को दे दिया, तो क्या शिव की जनता का ये मैंडेट सरकार स्वीकार कर पा रही है? कानसिंह जी देखो, हाँ जी, ये बात है कि शिव की जनता ऐसी बात नहीं है। अब जो हमारे कमल सिंह से बात हो रही थी बजट के संबंध में, आप जो पब्लिक सब जानती है, आजकल तो पब्लिक बहुत होशियार है जी। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे किसान हो जी, आप कॉलेज की बात चली, शिव की कॉलेज की बात चली, हमारी भी चर्चा जयपुर में 2 बार आया था, बात चली, क्योंकि पहले इलेक्शन होते उनके बाद में आचार संहिता लगी, 2 इलेक्शन हो गए, एमएलए के होने के बाद में एमपी के इलेक्शन हो गए, ये कागजों में अलूझे रहे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया और अखबार में भी आ गया, सोशल मीडिया पे चल रहा है, बजट में भी ले लिया है कि भाई जो स्कूल में कमी पेशी अध्यापक हो चाहे पंचीबल हो इसकी पूर्ति की जाएगी तुरंत प्रभाव से। अब 23,000 के लिए तो कल भी कह रहे हैं कि भाई 23,000 का जल्दी इसमें करके स्कूलों का सबसे पहले किया जाएगा जी। अब बाकी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी जी, और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जी मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, चाहे पानी का हमने 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार का हाल देखा था, जनता का हाल देखा था, काश्तकारों की जमीन के लिए, काश्तकारों के जमीन के लिए मुआवजे के लिए, और काश्तकार की फसल खराब का बीमा 2 साल से अटका हुआ, वो बीमा भी नहीं दे सकता है, ऐसे हालत थे। और इनकी जो सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा
जब कुर्सी संभालने के बाद बहुत है, मैं तो ये कहता हूँ हमारे शिव की जनता को, ये सबसे पहले पानी बिजली, इसका बिजली का 220 का हमारे बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी की थी उस पर हमारा 220 का सेंक्शन हुआ था। कांग्रेस सरकार आने के बाद में उल्टा करके जी और हमारे शिव तहसील को रखा जी। अब प्रगति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री जब सीट पे बैठने के बाद में हमारा प्रगति से 220 का काम करता है। खुमान सिंह जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि शिव को जो काम हो रहे हैं या शिव की तरफ सरकार जिस तरह से देख रही है, वो कहीं कहीं सरकार की निगाहें कमजोर हैं, क्योंकि शिव ने आपकी सरकार बीजेपी को एक मैंडेट नहीं दिया, तो क्या उसकी वजह से भी शिव के साथ कहीं कहीं इस तरह का व्यवहार जानबूझकर किया जा रहा है? देखो इसमें मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बाड़मेर जिले में दोस्त जाति ज्यादा है, जाट और राजपूत जी, उनके आपस में बैठने से जाटों के वोट ज्यादा है और राजपूतों के वोट कम है जी, इसलिए इनके आपस में विवाद बढ़ गया कि भाई ये पार्टी दोनों भी इनको टिकट दिया, तभी उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे चलने के बाद में ऐसा काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर से, हम भी ये जानते थे वोट भारतीय जनता पार्टी के दो दलों में वोट कट जाएंगे तो फिर बाद में तो मेरा प्रश्न है ही नहीं जी। तो उन्होंने खुद करके ये सारा काम किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी के ये सारे भारतीय जनता पार्टी के है, चाहे उसको वोट दिया ना नहीं, ये भी मुड़ेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, सब आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। कांचन जी अगर मान लीजिए, कांचन जी मान लीजिए बीजेपी का विधायक शिव में नहीं चुना गया, वहां पे एक निर्दलीय विधायक आ गया, लेकिन ये 5 साल आप और खुमान सिंह सोडा जो लगातार मेरी आपसे जब पॉडकास्ट शुरू हुआ है तो आप लगातार एक भजन गा रहे हैं सरकार का कि भजन लाल सरकार, भजन लाल सरकार, भजन लाल सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगले 5 सालों में अगर शिव का विकास नहीं होता है, चूंकि वहां की शिव की जनता ने आपकी पार्टी का विधायक नहीं चुनके एक युवा निर्दलीय को चुन लिया, अब इन 5 सालों में अगर शिव का विकास नहीं होता है कांत सिंह जी, तो क्या बीजेपी के आप जैसे वरिष्ठ लोगों पे एक सवाल खड़ा नहीं होगा, चाहे वो कांत सिंह राजपुरोहित हो, चाहे वो खुमान सिंह सोडा हो, चाहे वो गिरधर सिंह कोटड़ा हो, आप लोगों पर एक सवाल खड़ा नहीं होगा कि मान लीजिए शिव की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना, लेकिन आप बीजेपी के नेता थे, आप शिव की कितनी पैरवी कर पाए? मैं व्यास जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही बात है, जब कांग्रेस ही सरकार होती है तो वो कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं के इधर उधर काम के लिए घूमती है जी। और आपने पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में देख ली और आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे एमएलए आए या ना आए, आने वाले टाइम में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, मगर इनका कभी ये जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश नहीं रहता है कि यहाँ हमारा एमएलए नहीं है और जनता का काम नहीं करेंगे, तय दिल से करेंगे। शिव के जो विधायक हैं उनका दर्द विधानसभा में झलका है, उन्होंने कहा है कि मेरी जनता के साथ अन्याय मत करो, मेरे से कोई अगर आपका कोई बैर है या आपकी मुझसे कोई शिकायत है तो कर दो, लेकिन मेरी जनता को तो परेशान मत करो, उन्हें तो वो सुविधाएं तमाम दो। कोई जनता में कोई सरकार की तरफ से कोई, देखो आज पानी के लिए तड़प रहे थे, वो भी टेंडर हो चुके हैं, काम चालू है, गांव गांव घर तक कनेक्शन देने के लिए पानी आएगा। ये कांची जी नहर से, मैं कह रहा हूँ नहर से पानी आ रहा है। कौन सी नहर? राजस्थान कैनाल से, सिंचाई के लिए जी। थोड़ा सा रूट में बताइएगा ये पानी कहाँ से आएगा, किन किन गांव में जाएगा? 136 गांव शिव विधानसभा के इस से पहले जुड़े हुए हैं, उससे पहले जब वसुंधरा की सरकार थी उस टाइम ये तय करके जोड़े गए थे और 5 साल में कांग्रेस की सरकार आई, ये जोड़ नहीं सकी। और उनके बाद में भी ये कह रहे हैं कि भाई जो राजस्थान कैनाल से और भी 25 गांव है, नए रेवन्यू विलेज बने हैं, बाकी उनको सारों को जोड़ेंगे और निर्मदा से पानी गड़ला तक पहुंचाने के लिए पूरा उन्होंने अभी तक भी राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बैठ के समझौता किया है कि हमारे राजस्थान को पानी देने के लिए गड़ला तक बॉर्डर तक पानी पहुंचने के लिए, या तो उन दोनों मुख्यमंत्री तय होकर के उन्होंने सेटिस्फाई किए कि पानी बिल्कुल हम इसका देंगे और
जो भी पेटेन आता वो दिन मेरी काम बिल्कुल होगा। कांग्रेस सरकार के जो टेंडर जी, आपके अपने गांव में पानी आ गया? मेरे गांव में पानी अब नहर का आ रहा है, अभी तक नहीं आया ना? आ रहा नहीं, मैं पूछूं अभी आ गया? आ रहा है, अभी आ रहा आ गया मेरे, अब कब से की अभी आ रहा है। ये सरकार आने के बाद में बीशु कला बीशु क्रोध पोषण मलाई वगैरह ये पानी अभी आ रहे हैं। आ रहे मतलब लगे घर में? घर घर कनेक्शन अभी नहीं लगे है। पानी आपके आपके यहाँ पर आपके यहाँ पानी आएगा या आ चुका है? आ चुका है। आप पानी वो यूज कर रहे हैं जो नहर का पानी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कई गांव जुड़ गए हैं यहाँ पूरी सीओ तहसील में इसी साइड में। आपके घर में आपके घर में आपके घर में जो नल है उसमें जल आ रहा है? नल नहीं है, जो हमारे 5-10-20 घर है वहाँ कनेक्शन दे रखे है जी। वो पानी आ रहा है, नहर से पानी आ रहा है, राज्य से गांव में पानी आ रहा है, अभी नल से घर नहीं जुड़ा है जी। ये बिल्कुल तय दिल से कह रहा हूँ कि नहीं जुड़े, जुड़ जाएंगे वो, क्योंकि लगे हुए हैं। आप बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता, जब अभी तक आपके घर में नल नहीं आया, नल में जल नहीं आया, तो वो आमजन तो जल के सपने देखेगा। खैर आप ये बताइए, आपके यहाँ बिजली आती है? बिजली का बहुत संकट था। अच्छा, सरकार आती संकट टल गया? अब संकट ये टला है कि 220 वाला काम प्रगति पे हो रहा था, हो रहे के बाद हमारा ये संकट दूर हो जाएगा। हो जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति कमजोर है लाइट की। मैं तो साफ कहता हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, इस 5 साल पिछले 5 साल में। कांत सिंह जी राजपूत, आपको लाइन पर जोड़ने का मतलब पूरी उम्मीद करूंगा कि कम से कम आप मुझे जो भी जवाब देंगे, आपका जवाब आप ही की विधानसभा के लोग, आप ही की सीओ के लोग सुन रहे हैं। तो ये बहुत ईमानदारी से आपने कहा है कि अभी तक आपके घर नल नहीं आया है। बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता है, 40-45 साल आप बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके घर में नल नहीं आया। माफ करिएगा, मैं भी अटक रहा हूं। तो आम जनता के घर में जल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है बिजली की। आप खुद कह रहे हैं, आप खुद मानते हैं बिजली की चीज वो उतनी भरपूर मात्रा में जो मिलनी चाहिए कायदे से, वो बिजली नहीं मिल रही है। आपके यहाँ पे नहरी खेती का या जमीनी जल स्तर की क्या स्थिति है कांत सिंह जी? नहीं, अभी तक कोई नहीं है पानी खेतों में देने के लिए, नहीं पीने के लिए, हर घर नल के लिए भारतीय जनता पार्टी का बंधन है, हर घर तक 1.5 साल से कम। कांत सिंह जी, कांत सिंह जी, कांत सिंह जी, बीजेपी की माला मत जपिए, अपने गांव, अपने लोग, अपने आसपास के लोगों की बात को करिए। हमारी बीजेपी ये करेगी, हमारी बीजेपी ये करेगी, करे निश्चित करें, जब करेगी तो जमीन पर दिखेगा। और जिस दिन जमीन पर एक अच्छी तस्वीर दिखेगी, यकीन करिएगा मैं इसी पॉडकास्ट पर आपको फिर लूंगा, यकीनी तौर पर कहूंगा कि हाँ ये बीजेपी ने कहा, ये बीजेपी ने कर दिया। लेकिन फिर जो मेरी बात आपसे वो ये है कि एक तो पानी अभी भी एक समस्या है, बिजली पर्याप्त नहीं है। अब अपन तीसरी शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति सही है। खुमान सिंह जी बता रहे हैं बहुत आलीशान बिल्डिंग बन गई है, आलीशान भवन बन गया है। आज ही राजस्थान के एक प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा है आपके बाड़मेर से ही कि शिव की कॉलेज में मात्र 2 कर्मी हैं, कई ऐसे विषय हैं जिनके विषय के विषय विशेषज्ञ नहीं है, लेक्चरर नहीं है। तो वो कॉलेज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद बता रहे हैं, मीडिया को ये बयान दे रहे हैं कि हमारे पास हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है क्योंकि हमें पढ़ाने वाले लेक्चरर नहीं है। आप बहुत ईमानदारी से ये बताइएगा कि शिव की जो सरकारी जो कॉलेज है, जो महाविद्यालय है, उसकी स्थिति क्या है? ये स्थिति अच्छी है, बिल्डिंग बन गया है सर। बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती सर, गुरु बिना ज्ञान नहीं। मेरा निवेदन आप सुनिए जी, देखो कि बिल्डिंग बन के अभी तैयार हुई है, मैं कहता हूँ आज 6 महीने हो गए है भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने से जी, तो 2-3 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं। आप ही समझते हो कि 2-3 महीना लगता था, अपना पूरा सिस्टम होता है उस हिसाब से होता है, फिर बाद में चुनाव आ गए, अब चुनाव खत्म हो गए है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ आने वाले बच्चों का तो अभी एडमिशन शुरू हुआ है, 1 तारीख से आज 14-15 दिन हुए है। ठीक है, और आप देख लेना 15-20 दिन में, आप दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, आप हमारे से बात लोगे, मैं बताऊंगा कि शिव तहसील में जो हमारी कॉलेज है उसमें कॉलेज भरी गई है, कोई अध्यापकों की पंचिकल की कोई कमी नहीं है, हर विषय का
आधा कट मिलेगा। प्रिंसिपलों की जरूरत ही नहीं सर, एक महाविद्यालय में एक ही प्रिंसिपल होता है। एक होता है तो वही कमी है ना जी, तो कमी जो एक ही होती है जी। सपूत तो एक होता है जी, तो एक घर पूरा लेके बैठा, एक सपूत होता है पूरी पंचायत लेके चलता, एक सपूत होता है पूरा गांव लेके चलता, एक सपूत होता है तो राजस्थान लेके चलता, एक सपूत होता है भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना। और एक सपूत आप ही के बीच में जन्मा जाया है जिसको लोगों ने चुना है, तो क्या वो सिर लेके चल रहा है? बात रविंद्र सिंह की कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये गलत है या सही है, वो कोले से है, पढ़ा लिखा है, आगे देखो क्या होता है, क्या काम कराते हैं क्या नहीं कराते हैं। मगर मैं इतना हरियाणा के दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भेदभाव नहीं है। आज देखो मकान बनाए इन्होंने कांग्रेस वालों ने अपने आप ये सारा भ्रम फैला के, मैं कहता हूँ ये आवास बनता है तो कौन सा एनसी कांग्रेस से हमें टाला, भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता से ज्यादा कांग्रेस वाला बन रहे हमारे राज्य में जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। कान सिंह जी आप जो दावे कर रहे हैं, कान सिंह जी आप बीजेपी के दम पर इतने बड़े दावे करते हैं, ये पॉडकास्ट आपकी जनता ही सुनेगी, आपकी बात को जनता सुन रही है। खुमान अपन समझ में आ रहा है कान सिंह जी कि जो 52 के चुनावों की स्थितियां रही हैं, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, आज भी कोई बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। हकीकत की तस्वीर को देखिए कि 40-45 साल आप बीजेपी का झंडा उठाए चल रहे हैं, आपका अपना गांव शायद उन तमाम सुविधाओं को हासिल नहीं कर पाया है। कान सिंह जी सुनिए जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, धीरू सिंह जी शेखावत बने जी, और 77 से 52 से लेकर के 47 में देश आजाद हुआ, और 51-52 में ये प्रशासन अपने आप जो सरकारें बनी जी, तो कितने साल रही 77 और कम से कम 27 साल रही थी कांग्रेस की राज जी। कांग्रेस से राज में जब भैरू सिंह शेखावत बने, हमारे ये लुल्ली में प्यारे नए बच्चे पढ़ते थे ना, मैं खुद पढ़ता था जी। पहले तो ऐसा खेजड़ी और बावड़ियों के नीचे बैठ के पढ़ता था। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरू सिंह जी शेखावत बने, ज्वार रोजगार योजना से जी, ये हमारे बच्चों के लिए बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम भवन बनाए और उसी विद्यालय से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बाद में भैरू सिंह जी दोबारी तीन बार जब मुख्यमंत्री बने तो ये काम किया, वसुंधरा जी दो बार बने तो उन्होंने निर्णय कर लिया था। मैं कहता हूँ आप कहीं जाइए, पूरे कट्टर भी गाँव है, कट्टर गाँव है, कांग्रेस के कट्टर गांव है, वहां तक भी पंचायत है तो उसमें 12वीं की विद्यालय खोल के भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, मैं जनसंघ से लेकर के 77 पार्टी का दीपक जलाने के लिए उस टाइम तैयार था, उसे लेकर के आज तक 1993 में मेरी 5वीं स्कूल में राजेश गांव स्टेट बैंक का था, और कांग्रेस वालों ने देखा कि ये तो बीजेपी की है, 77 पार्टी के है, जनता पार्टी के है। अभी तक कोटर में मेरा पहली बार 5वीं स्कूल, जब दोबारे भैरू सिंह जी शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और हमारी स्कूल का नई पहली 5वीं तक खोली जी, ऐसा उनका व्यवहार था। और हमारा आज भी देखे सर्वे कर दीजिए, व्याजी में आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत समिति तहसील विधानसभा क्षेत्र शिव का देख लीजिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो कुछ भी हो, पार्टी किसी ने टिकट दिया होगा ये बात नहीं है, मगर वोटों के लिए जो कट्टर थे नहीं कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी कांग्रेस वालों का काम किया, बीजेपी वालों का काम नहीं किया है। और हमारी सरकार में आज दिन तक नहीं रखा है, ये लोग फरमाते हैं भाई वो MLA नहीं आया यार, ये हुआ यार। मैं दावे के साथ कहता हूँ हम कार्यकर्ते खूब है, ऐसी कोई बात नहीं, कार्यकर्ता की हमारी एक फौज है। वैसे काम हम मैं यही कुमार सिंह जी को यही तो कह रहा था, मैं कुमार सिंह जी को यही कह रहा था कि अगर इन 5 सालों में शिव में बीजेपी का कोई काम नहीं होता है तो विधायक को नहीं, बीजेपी के आप जैसे वरिष्ठ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात होगी।
अरे साहब हम फौज है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हमारे पास में वोट है जी। हम भी जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये मानू कि आपकी जो ये फौज है तो शिव के मुद्दों के लिए फौज कूच करेगी, युद्ध लड़ेगी सरकार से? सरकार से लड़े नहीं, नहीं प्यार करके काम करेंगे जी। लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जाकर के कहेंगे कि ये काम होना चाहिए, ये जनता के हित में है, ये जनता जनाधन है, जनता का ये काम करेंगे तो अपन को वाह वाह होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम ऐसी कोई बात नहीं हूँ, पांच सात आदमी जैसे हमारे मुख्यमंत्री से पहचान है, मंत्रियों से पहचान है, ऊपर से पहचान है, वो जाके कहेंगे ऐसा हमें दिक्कत आ गया कि भी ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं सोचते दिल से कहना चाहता हूँ कराएंगे जी। जी कुमार सिंह जी, आप जो सुन रहे हैं, कान सिंह जी ने बातें बहुत करी, 52 से 77 से लेकर भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे और अब भजन लाल जी तक, उनका ये कहना कि बीजेपी की हमारी एक पूरी फौज है, शिव के विकास के लिए हम लड़ेंगे। आप भी उसी लड़ाई को लेकर शायद अभी दिल्ली बैठे हैं, डीएनपी एक बड़ा मुद्दा है, आपकी कल मुलाकात होगी उनसे? नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, विकास का काम कराने कुमार सिंह जी, मेरी लड़ाई से मतलब हाथापाई नहीं है, मेरी लड़ाई का मतलब है हक की लड़ाई, जो वहाँ की आवाम की बात है, डीएनपी की लड़ाई है, हक की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के राज में हक की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है जी। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आगे जाकर के संबंधित विभाग को अवगत कराने की कमी है, वो हम कमी नहीं रहने देंगे। डीएनपी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, डीएनपी के मुद्दे को लेकर, डीएनपी के मुद्दे को लेकर के मैं यूं गया था, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूं गया था कि यहाँ जो जो अपने जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन होने हैं जी, उन ट्यूबवेलों के कनेक्शन जो है, पहले जो ऊपर लाइन खींच करके दिया करते थे, वो जो ऊपर वाली लाइन उसमें थोड़ा एक रोड़ा अटक रहा है, डीएनपी के अफसरों का कहना है कि उसमें गोडाउन फंस करके मरने की संभावना, इसलिए नहीं दे सकते जी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अवगत कराने के लिए आया हूँ कि अंडरग्राउंड धरती के अंदर वाली जो स्कीम है वो पास करके और किसानों को सुविधा मुहैया कराई जाए, वो चालू हो गई है जी। उसमें थोड़ा इधर उधर कराना है, वो बैठ करके बात करके हम कराएंगे, बाकी वो स्कीम चालू हो गई है, धरती के अंडरग्राउंड लाइन एक निकाल करके किसानों को देना चालू कर दिया हमारी सरकार ने। कुमार सिंह जी एक बात बताइए, आपका जो ये डीएनपी एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क का, इसमें जो लोग रह रहे हैं, इसमें तीन बड़ी समस्याएं क्या है वहाँ के जो लोग जो डीएनपी एरिया में रह रहे हैं? तो वहाँ नेटवर्क की कमी है। किस तरह का नेटवर्क? अभी आज के समय में जो डीएनपी क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है, क्योंकि मोबाइल टावर वहाँ नहीं है। ठीक है, अभी हमारी सरकार ने कहा है जी कि नेटवर्क के लिए वहाँ जो है टावर लग जाएंगे और ये कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी भी निकट भविष्य में चालू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या नियमों में संशोधन कर दिया गया है? डीएनपी चूंकि एक रिजर्व एरिया है तो वहाँ पर क्या मीटिंग हो रही है और इसके ऊपर जो ये अपने होते हैं इस दूर संचार विभाग वाले, उनके साथ में भी कल मैं उनके डिपार्टमेंट में भी जाऊंगा, जो कुछ संभव होगा। लेकिन ये जो है मंत्री महोदय ने कहा है कि ये कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी जल्दी ही डीएनपी क्षेत्र में चालू कर दी जाएगी। दूसरी डीएनपी की समस्या क्या है वहाँ जो लोग रह रहे हैं? दूसरा जो है दूसरी कुछ नहीं है, पहले कांग्रेस की सरकार में रोड नहीं बन रही थी, वो हमारे सरकार आते ही ऑर्डर कर दिया है रोड बन जाएंगी, सड़कें बननी चालू हो गई है, ग्रेवल सड़कें बननी चालू हो गई, क्या बनी गई है तकरीबन, ठीक है, ऑर्डर भी हो गई है। अभी 6 महीने में आप मानोगे तो बीएनपी क्षेत्र के 6 पंचायतों को मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखा सकता हूँ, ऑन ग्राउंड दिखा सकता हूँ कि जो है इस 6 महीने में डीएनपी की 6 ग्राम पंचायतों में पूरे के पूरे डाणिए और गांव जुड़ चुके हैं इस ग्रेवल रोड से जी। और तीसरी और बाकी दो या तीन पंचायतें ऐसी है जिनमें अभी काम चल रहा है, जो भी जो है अब दिनों में पूरी होने वाली, महीने नहीं लगेंगे, दिनों में पूरी होने वाली है जी। जी
खैर दिल्ली खुश रखने में लाइट का काम चालू है पीएमपी क्षेत्र में जी, और रोड का काम हो गया है जी, पानी फुल है डीएमपी क्षेत्र में जी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और प्रदेश में नहीं होने की वजह से जो ये नहर वाला पानी आना था जी, इसकी जो है मंथर गति से धीमी गति से गहलोत सरकार ने इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं लेकर के झंडे बस्तर में डाल दिया था, उसको हमारी सरकार आने के बाद में चालू कर दिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 90% घर घर नल वाला काम विधानसभा क्षेत्र शिव में 90% पूर्ण हो गया व्यास साहब जी, और एक शिव पंचायत समिति है ना जी, शिव पंचायत समिति का थोड़ा टेंडर लेट हुआ था और अब काम चालू हो गया है जी, ठेकेदार ने टुकड़ा टुकड़ा में काम दे करके प्रत्येक पंचायत में काम चल रहा है और एक महीने आपकी माने तो शिव डेढ़ महीने के अंदर आपकी माने तो शिव नल पहुंच गया। हाँ काम हो गया, मतलब आज काम कंप्लीट हो गया है 90%। मैं खुद देख के आया हूँ मौके पे जी, काम मतलब जो है 90% पूर्ण हो गया है जी। मैं तमाम में 90% पानी, सुनो भाई साहब सुनो, मैं पूरा आपको विस्तृत बता देता हूँ जी जी, कि प्रत्येक गांव में एक जगह पानी तो 90% पहुंच गया था सरकार बनने के एक महीने के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट पे घर घर नल वाला जो है पिछले 5 महीने से एकदम तेज गति से काम चल रहा है और 90% काम है पूर्ण हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं आपको मौके पे जाकर के दिखा सकता हूँ जी। मैं उन तमाम श्रोताओं को जो शिव विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो ये आवाज जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही है ये भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं शिव विधानसभा के कुमार सिंह सोडा, अगर इनकी बात में सच्चाई है तो बेशक कमेंट बॉक्स में लिखेगा और अगर इनकी बातों में हवा हवाई है तो सच्चाई भी लिखिएगा, ताकि ये साफ कह रहे हैं जी। मैं जनता से ही निवेदन कर रहा हूं कुमार सिंह जी कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो जनता सच लिख देगी, और अगर आप जो कह रहे हैं भावी संभावनाओं को लेकर बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिल वक्त कान सिंह जी जो पानी की बात बता रहे हैं कुमार सिंह जी, तो आपके घर में जो नल नहीं पहुंचा ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपके घर में भी नल और नल में जल आ जाएगा। वो कुमार सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, अगर जो राजस्व गांव है ना जी, राजस्व गांव तक पानी पहुंच गया, हर घर नल से नहीं जुड़ा है, पानी जरूर आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं लाइट के लिए 19 फीट कहता हूँ, पानी के लिए क्यों नहीं कहता जी, पानी गांव में आता है जी, ये अब आना शुरू हुआ है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार बनने के बाद जो हमारे राजस्व गांव है ना जी, उस गांव में पानी आ रहा है, चाहे होद बना हो। कुमार सिंह जी जब हम कोई बात पे करते हैं सवाल आप नेताओं से बीजेपी के, जैसी कोई कमी आती है तो आप ये कहने लगते हैं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, अभी सरकार बनी है हो जाएगा, तब तो आप एक ही आपके पास ये एक्सक्यूज होता है कि सरकार नहीं है। लेकिन जैसे आप गिना रहे हैं काम तो सरकार ने 1 महीने में ही कर दिया, सरकार ने काम तो 6 महीने में ही कर दिया, मुझे डर है कि 5 साल आप जिस तरह से आत्मविश्वास से आप और कुमार सिंह जी बता रहे हैं, मुझे ये नहीं लग जाए कि गंगा हिमालय की जगह कहीं यहीं पर 20 से 80 जी। हमारी जो लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो लाइट में क्या है कि 132 का हमारे जो शिव में जीएसएस बना हुआ है जी, उसके ऊपर लोड ज्यादा था, उसकी जो लाइनें थी वो पुरानी थी और उसके ऊपर लोड ज्यादा था, अगर लोड बढ़ाते हैं तो लाइन टूट जाती है जी। इसलिए हमारी सरकार आने के बाद में एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता क्योंकि आंकड़ा देख के बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि 4 करोड़ और लगभग 67 लाख रुपए का जो है सरकार बनते ही विद इन 1 महीने के अंदर वो बजट पास कर दिया था जी जी, वो बजट पास करके ठेका हो गया, तो इसको हम कैसे नकार सकते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया जी जी।
हम तो एक सवाल आपसे कर सकते, हमारा काम है आपसे सवाल करना, जजमेंट देना तो मेरा काम नहीं है ना मीडिया का काम है। हम एक सवाल कर रहे हैं और उस सवाल के जवाब में आप जो जवाब दे रहे हैं, आपकी हमारी ये वार्ता सीधे तौर पर श्रोता सुन रहे हैं और उन तमाम श्रोताओं में से वो श्रोता भी शामिल है जो शिव में रहते हैं। मैं शिव के विधानसभा की जो तमाम श्रोता है अगर हमारी बात सुन रहे, तो हमें लगातार इस तरह का फीडबैक आ रहा था कि चूंकि शिव की जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया, इसलिए 113 व्यवहार शिव करेगी। विधानसभा में जो मुद्दे रखे जा रहे हैं विधायक के द्वारा, उस पर कितनी बात होगी। आज एक प्रतिष्ठित अखबार में वहां के कॉलेज की स्थिति थी कि एक प्रोफेसर और दो कार्मिक हैं, जो एक आलीशान भवन बन गया उसमें, तो वो वीराना सा लगता है। स्टूडेंट्स को वहां पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो लेक्चरर्स नहीं मिल पा रहे हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि कान सिंह राजपूत तो बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। कुमार सिंह चूंकि एक चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के निशान पर और अभी वहां पर नेता हैं, इस वक्त जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो वो दिल्ली हैं। डीएनपी के मुद्दे पर बात करने के लिए उनकी कल भूपेंद्र यादव से मीटिंग है। इनका कहना है कि डीएनपी एरिया में भी मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो या ग्रेवल सड़क की बात हो या उनके लिए स्कूल्स और एजुकेशन की बात हो, उस पर बात कर रहे हैं। हम लोग जो बात करते हैं इन नेताओं से, वो हमें फीडबैक आता है, हमें ये सवाल जनता से आते हैं और हम लोग कहते हैं कि हम जनगण मन की बात करते हैं। तो कुमार सिंह जी, जनगण मन का जो सवाल थे वो मैंने आपसे और कान सिंह जी दोनों से पूछे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप उम्मीदों में बहुत ज्यादा गिरे हैं कि वो कहते ना कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल को खुश रखने में गाली भी ख्याल अच्छा है, डबल इंजन की सरकार है। और हम दूसरी तरफ बात करें तो लगातार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम भी विपक्ष कर रहा है और इस बार केंद्र में भी आपकी सरकार को एक अच्छा विपक्ष मिला है, बोलने वाला विपक्ष मिला है। मेरी ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल हो या कान सिंह राजपूत या कुमार सिंह सोडा की किसी भी बात पर अगर आप जो है वो सहमत नहीं है और आपको लगता है कि जमीनी तौर पर जो हकीकत है उससे ये नेता अलग बयान कर रहे हैं, तो अपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कान सिंह जी, आपने हमें रात को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार सिंह जी, आप दिल्ली हैं, लोगों की शिव की जनता की बात करने वहां पर, हमें पूरी उम्मीद है कि आप डीएनपी एक बड़ा मसला है, डीएनपी पर आप एक सफलतम आपकी मीटिंग कर आएंगे, लोगों को फायदा होगा और शिव की जनता को कम से कम जो एक डर है कि चूंकि उन्होंने जनमत जो है वो एक युवा चेहरे को दिया है, अपना एक रहनुमा उस व्यक्ति को चुना है जिसमें जोश है, जिसमें युवा है, अपनी बात को रखता है, अपनी भाषा में रखता है, अपने अंदाज में रखता है, तो कम से कम बीजेपी उस तरह का सौतेला व्यवहार शिव के उन तमाम लोगों के साथ नहीं करे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।